गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था प्राकृतिक रबर। आज अपन स्टार्ट करते हैं कृत्रिम रबर। अब एक कृत्रिम रबर है, उसमें अपने 6 रबर दिए हुए हैं। पहला है ब्यूना एस, पहला कृत्रिम रबर है ब्यूना एस। इसे एस बी आर भी कहा जाता है। तो देखिए, इस रबर में जो इकाइयां है, एकलक इकाइयां, रबर क्या है, बहुलक होते हैं और बहुलक का निर्माण होता है बहुत सारी एकलक इकाइयों से। तो इस कृत्रिम रबर की जो एकलक इकाइयां है वो इसके नाम में ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए कौन कौन सी है, देखिए ब्यूना एस, यहां पे बी यू, बी यू का मतलब है ब्यूट 1,3 डाइईन। बी यू का क्या मतलब है, ब्यूट 1,3 डाइईन, यानी यहां पे बी यू है वो लिया गया है ब्यूट के लिए। तो ये इसकी पहली इकाई हो गई। और अपन ने पिछली क्लास में बताया भी था, कोई भी रबर हो, प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, ये जो इकाई है ब्यूट 1,3 डाइईन, या तो ये इसी रूप में मिलती है या इसका कोई व्युत्पन्न मिलता है। जैसे प्राकृतिक रबर में एकलक इकाई क्या थी, आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन इसका क्या था, व्युत्पन्न। ब्यूट 1,3 डाइईन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया था किसने, CH3 ने, तो वो बन गया था आइसोप्रीन। यहां पे पहली जो एकलक इकाई है वो है ब्यूट 1,3 डाइईन। अब देखिए दूसरी जो एकलक इकाई है उसके लिए दिया गया है एस, एस मीन्स स्टाइलिन, एस मीन्स स्टाइलिन। तो इसकी दूसरी एकलक इकाई है उसका नाम है स्टाइलिन। तो ब्यूना एस रबर में एकलक इकाइयां है वो दो प्रकार की होती है, ब्यूट 1,3 डाइईन और स्टाइलिन। अब यहां बीच में देखिए, इसकी स्पेलिंग में बीच में है एन ए, एन ए, तो एन ए किसका प्रतीक होता है, सोडियम का। तो यहां एन ए का मतलब है सोडियम। ये कोई एकल इकाई नहीं है, यहां पे बहुलीकरण के दौरान उपस्थिति होती है इसकी सोडियम की। तो यहां पे जो इकाइयां है और उपस्थिति है वो इसके नाम से ही क्लियर हो रही है। बी यू मतलब ब्यूट 1,3 डाइईन, एस मीन्स स्टाइलिन, एन ए मीन्स सोडियम। तो इसकी एकलक इकाइयां दो प्रकार की होती है, जो बहुलीकरण करती है इसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। अब देखिए इसको एस बी आर कहने का क्या मतलब है, तो स्टाइलिन के लिए आ गया एस, ब्यूट 1,3 डाइईन के लिए आ गया बी, और रबर के लिए क्या आ गया, आर। तो इसलिए इसको कहते हैं एस बी आर। अब देखिए इसके निर्माण की समीकरण, इसकी जो पहली इकाई है ब्यूट 1,3 डाइईन,
इसके ले गए कितने अणु, n अणु, और इसकी जो दूसरी इकाई है स्टाइलिन, स्टाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। तो N अणु ले लिए इसके स्टाइलिन के, N ब्यूट 13 डाइलिन, N अणु स्टाइलिन, और करवा दिया बहुलीकरण और उपस्थिति इसकी सोडियम की। अब देखिए बहुलीकरण किस प्रकार से होगा, ये बहुलीकरण के दौरान डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, यहां पे ये सिंगल बॉन्ड, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे यहां पे, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां इन दोनों इकाइयों के बीच बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन आगे स्थानांतरित होंगे, यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां पे अगली इकाई के साथ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो अब देखिए ये किस प्रकार से कनेक्ट होंगे, यहां CH2 डबल की जगह सिंगल, आगे CH, यहां डबल, आगे CH, आगे सिंगल CH2, सिंगल CH2, आगे सिंगल CH, CH के नीचे C6H5, और ये अगली इकाई के साथ बॉन्ड, और ये नीचे लग गया N। तो ये अपना कृत्रिम रबर बन गया, कौन सा, ब्यूटा S। तो ये फॉर्मूला है किसका, ब्यूटा S का। अब देखिए तो ये कृत्रिम रबर है, तो देखिए प्राप्ति स्रोत के आधार पे ये कैसा बहुलक हो गया, संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे ये हो गया कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। वर्गीकरण अपने पढ़ा था किसके आधार पर, एकल इकाइयों के प्रकार के आधार पर। तो यहां एकल इकाइयां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, सभी एकल इकाई एक समान नहीं है, यहां एकल इकाई कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। तो जहां एक से अधिक प्रकार की एकल इकाई पाई जाती है वो आता है विषम या सहबहुलक। तो एकल इकाई के आधार पे यह कैसा बहुलक हुआ, विषम या सहबहुलक हुआ। फिर बहुलीकरण क्रिया के आधार पे बहुलक बताए थे दो प्रकार के, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। ये कौन से में आ रहा है, देखिए बहुलीकरण के दौरान कोई छोटा अणु बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो ऐसा बहुलीकरण जिसमें बहुलीकरण के दौरान किसी भी प्रकार का छोटा अणु बाहर नहीं निकलता वो होता है योगात्मक बहुलीकरण। तो ये एक ऐसा बहुलक हो गया, योगात्मक बहुलक हो गया। और इकाइयों के मध्य अंतरार्णविक आकर्षण बल के आधार पर बहुलक बताए थे दो, प्रत्यास्थ और रहस्य। तो ये क्या है, रबर है, तो रबर किसमें आते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक में आते हैं, तो ये प्रत्यास्थ बहुलक में आते। तो इस बहुलक को ब्यूटा एस को वर्गीकरण में इन बहुलकों के अंदर जगह मिलेगी।
प्राप्ति स्रोत के आधार पर कैसा है, कृत्रिम या संश्लेषित होगा, क्योंकि ये किस में आता है, कृत्रिम रबर में। इकाई के आधार पर कैसा है, विषम या सहज होगा, क्योंकि इसमें इकाइयां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। इसके बहुलीकरण में कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए ये योगात्मक बहुलक में आएगा, इसका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होगा। और ये एक रबर है तो ये आएगा किसमें, प्रत्यास्थ बहुलक। तो ये अपना पहला कृत्रिम रबर हो गया ब्यूना एस। अब अपन दूसरा कृत्रिम रबर कहेंगे ब्यूना एन। तो यहां पे एस की जगह क्या आ गया, एन आ गया, तो यहां पे भी एस की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, इसको कहेंगे एन बी आर। अब देखिए यहां पे ब्रियू का मतलब तो वही है, ब्यूट 1,3-diene, यानी इसकी भी पहली इकाई है वो क्या होगी, ब्यूट 1,3-diene होगी। अब यहां पे एस की जगह क्या है, एन, तो यहां एन का मतलब है एक्रिलो नाइट्राइड, यहां एन का मतलब क्या है, एक्रिलो नाइट्राइड। तो एक्रिलो नाइट्राइड में साइनाइड युग पाया जाता है, नाइट्राइड इसके लिए काम में लेते हैं, साइनाइड के लिए। तो नाइट्राइड की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एन से, इसलिए यहां पे इसके लिए काम में लिया गया है एन, एन मतलब एन यहां पे नाइट्राइल से लिया गया। तो ब्यू मतलब ब्यूट 1,3-diene, एन मतलब एक्रिलो नाइट्राइल, बीच में रह गया एनए, तो एनए का मतलब वही क्या, सोडियम। अब देखिए इसके निर्माण की समीकरण लिखेंगे, पहली इकाई वही सेम टू सेम ब्यूट 1,3-diene, दूसरी इकाई है एक्रिलो नाइट्राइड। तो देखिए एक्रिलो नाइट्राइड के लिए यहां पे C6H5 की जगह कर देंगे साइनाइड, तो ये सूत्र है किसका, एक्रिलो नाइट्राइड। तो दूसरी इकाई हो गई इसकी एक्रिलो नाइट्राइड। अब ब्यूट 1,3-diene के एनोड ले लिए और एक्रिलो नाइट्राइल के भी एनोड ले लिए और इनका बहुलीकरण करा दिया किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। अब बहुलीकरण वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था, यहां पे भी अपन C6H5 की जगह क्या कर देंगे, CN कर देंगे। तो ये अब फॉर्मूला है किसका, ब्यूना के दौरान ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ सिंगल, यहाँ दोनों इकाइयों के बीच हो गया सिंगल, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ सिंगल और यहाँ अगली इकाई के साथ बॉन्ड बन गया। तो ये इस प्रकार प्राप्त हो गया ब्यूना एन। अब देखिए इसको वर्गीकरण में ले जाते हैं, तो ये कृत्रिम रबर है तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर ये वही कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक में आ जाएगा। फिर इसमें भी इकाइयां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, तो इकाई के आधार पर ये वही विषम या सह बहुलक में आ जाएगा। इसका भी निर्माण है वो कौन से बहुलीकरण द्वारा हो रहा है, योगात्मक बहुलीकरण द्वारा, क्योंकि अपन देख रहे हैं इस बहुलीकरण में कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा है, तो बहुलीकरण क्रिया के आधार पर हो गया योगात्मक बहुलक। और ये एक रबर है इसलिए ये अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पे कैसा है, प्रत्यास्थ बहुलक है। तो कृत्रिम रबर अपने हो गए दो, ब्यूना एस और ब्यूना एन। अब देखिए ब्यूना एन को एनबीआर भी कहा जाता है,
एन यहां पे लिया गया है एक्रिलोन नाइट्राइल के लिए, बी यहां पे लिया गया है ब्यूट 13 डाइकिन के लिए, और आर का मतलब है रबर, तो ब्यूरा एन को एन बीआर भी कहा जाता है। अब देखिए तो कृत्रिम रबर के दो हो गए, ब्यूरा एस और ब्यूरा एन। आप देखिए तीसरा कृत्रिम रबर है एबीएस रबर, तीसरे कृत्रिम रबर का नाम है एबीएस रबर। अब इस रबर में इकाइयां होती है तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, और तीनों इकाइयों का नाम इस रबर के नाम में छुपा हुआ है एबीएस। देखिए ए यहां पे लिया गया है एक्रिलो नाइट्राइल से, पिछले ब्यूना एन में एन लिया गया था नाइट्राइल से, यहां पे ए लिया गया है एक्रिलो से, यहां पे ए किसके लिए लिया गया है एक्रिलो के लिए लिया गया है, तो ए का मतलब है यहां पे एक्रिलो नाइट्राइल पहली इकाई हो गई। फिर है बी, तो बी यहां पे लिया गया है ब्यूट 13 डाइकिन के लिए, ये भी यहां पे मौजूद होगा। एस एस यहां पे लिया गया है स्टाइलिन के लिए, तो यहां पे इकाइयां तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूट 13 डाइकिन और स्टाइलिन। अब इसके निर्माण की समीकरण देखिए, इनको क्रम से लिख दीजिए, ये सबसे पहले लिख दिया एक्रिलो नाइट्राइल को, एनओ ले लिए एक्रिलो नाइट्राइल के, फिर एनओ ले लेंगे ब्यूट 13 डाइकिन के, ये एनओ ले लिए ब्यूट 13 डाइकिन के, और ये एरो ले लिए इसके स्टाइलिंग के, तीनों इकाइयों को ले लिए। अब इनका करा दिया बहुलीकरण, तो देखिए किस प्रकार से ये बहुलीकरण में जुड़ेगी, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पे, ये सिंगल और यहां पे दोनों के बीच हो जाएगा सिंगल, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां सिंगल यहां डबल, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां सिंगल यहां दोनों के बीच सिंगल, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, यहां सिंगल और यहां अगली इकाई के साथ सिंगल हो। अब देखिए यहां CH2 सिंगल बॉन्ड, CH CN आगे सिंगल, CH2 सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल, CH नीचे C6 H5 आगे सिंगल और नीचे N। तो ये अपना सूत्र आ गया इसका ABS रबर का, तो ये इस प्रकार बनता है क्या ABS रबर। अब देखिए इसको वर्गीकरण में लेके चलते हैं, ये कृत्रिम रबर है तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे कृत्रिम या संश्लेषित उर्वरक में आएगा। यहां पे इकाइयां है
वो एक से अधिक प्रकार की है, तीन प्रकार की, तो इकाई के आधार पे विषम या सह बहुलक में आएगा। और इसके निर्माण क्रिया के दौरान भी कोई भी छोटाणु बाहर नहीं निकल रहा, तो ये योगात्मक बहुलक में आएगा। और ये एक रबर है तो ये आएगा प्रत्यास्थ बहुलक में। अगला कृत्रिम रबर है नियोप्रिन रबर। अब नियोप्रिन रबर है, इसे पॉली क्लोरोप्रिन भी कहा जा सकता है। तो अगला अपना कृत्रिम रबर है नियोप्रिन रबर, जिसका दूसरा नाम है पॉली क्लोरोप्रिन। तो पॉली क्लोरोप्रिन से क्लियर हो रहा है इसकी एकल इकाई कौन होगी, क्लोरोप्रिन। अभी तक अपन ने तीन कृत्रिम रबर पढ़े, ब्यूना एस, ब्यूना एन, एबीएस। तीनों में इकाइयां हैं वो एक से अधिक प्रकार की थी, लेकिन इसमें जो एकलक है वो केवल एक ही प्रकार की होती है, ओनली क्लोरोप्रिन। यानी सारी एकल इकाइयां क्या होती है, समान होती है, इसलिए ये किस में आएगा, समबहुलक में आएगा। अभी तक तीनों कृत्रिम रबर थे वो विषम बहुलक में आए थे, ये आएगा समबहुलक। अब देखिए, तो इसकी एकल इकाई का नाम होता है क्लोरोप्रिन। अब आइसो प्राकृतिक रबर की जो एकल इकाई थी उसका नाम था आइसोप्रिन, इसलिए प्राकृतिक रबर को कहा था पॉली आइसोप्रिन, यहां है क्लोरोप्रिन। तो देखिए, ये सूत्र है किसका, ब्यून 1,3-19 का। अब इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, क्लोरोप्रिन में। कैसे, यहां पे हाइड्रोजन की जगह लगा दीजिए क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन की जगह लगा दिया क्लोरीन। आइसोप्रिन में यहां हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया था, CH3, जबकि क्लोरोप्रिन के लिए यहां पे हाइड्रोजन की जगह लगा देंगे क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो। क्लोरो है वो कितने नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन, तो 2-क्लोरो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले। अब 4 कार्बन है ब्यून और डबल बॉन्ड पहले और तीसरे में, 1,3-19, तो ये IUPAC नाम है नियोप्रिन रबर की एकल इकाई क्लोरोप्रिन का। तो ये अपन ने क्लोरोप्रिन के ले लिए कितने अणु, एड अणु। अब इसका करवा दिया क्या, बहुलीकरण। तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये सिंगल, ये डबल, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये सिंगल और ये अगले इकाई के साथ सिंगल बना है। तो देखिए इसका सूत्र इस प्रकार से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CCl डबल बॉन्ड, CL सिंगल, CH2 सिंगल, N। तो ये आपका है नियोप्रिन रबर।
और इसमें बहुत सारी क्लोरोफ्लोरीन की इकाइयां जुड़ती है, इसलिए इसको पॉली क्लोरोफ्लोरीन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बनता है नियोप्रीन रबर या पॉली क्लोरोफ्लोरीन। तो देखिए प्राकृतिक रबर को कहा था पॉली आइसोप्रीन क्योंकि वो आइसोप्रीन का बोल रहा था। नियोप्रीन रबर है वो कृत्रिम रबर में आता है और ये पॉली क्लोरोप्रीन होता है। अब इसको वर्गीकरण में लेके चलते हैं। ये कृत्रिम रबर है तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर कृत्रिम बहुलक हो गया। इसमें इकाइयां है वो सारी की सारी क्या है समान, केवल क्लोरोप्रीन। तो ये समबहुलक में आ गए इकाई के आधार पर। इसके बहुलीकरण में भी कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा, युगात्मक बहुलक हो गया। और ये एक रबर है तो ये हो गया प्रत्यास्थ बहुलक। पांचवा कृत्रिम रबर है पॉली ब्यूट 1-3 डाइमिथाइल। पांचवे कृत्रिम रबर का नाम है पॉली ब्यूट 1-3 डाइमिथाइल। तो देखिए इसकी एकल इकाई कौन होती है, ब्यूट 1-3 डाइमिथाइल CH2 डबल बॉन्ड, CL सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो ये इसकी एकल इकाई है ब्यूट 1-3 डाइईन। इसके कितने अणु ले लिए, एन अणु। और ये करा दिया इसका बहुलीकरण। अब इसका बहुलीकरण होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये सिंगल यहाँ डबल, और ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन आगे, ये सिंगल और ये सिंगल। तो CH2 सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, CH2 सिंगल और नीचे N। तो ये बहुलक बन गया पॉली ब्यूटा डाइईन। तो इसमें एकलक है वो ओनली कौन होती है, ब्यूट 1-3 डाइईन। तो ये बहुलक है किसका, ब्यूट 1-3 डाइईन का, इसलिए इसको कहा जाता है पॉली ब्यूटा डाइईन। अब इसमें एकलक इकाई है वो केवल एक ही प्रकार की सारी एकलक इकाई क्या है समान है। तो ये एकलक इकाई के आधार पर कैसा बहुलक होगा, सब बहुलक में आएगा। और प्राप्ति स्रोत के आधार पर वो कृत्रिम, इसके बहुलीकरण में भी कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा, युगात्मक बहुलक हो गई। और ये एक रबर है तो ये आएगा प्रत्यास्थ बहुलक। अब देखिए लास्ट कृत्रिम रबर है, अंतिम कृत्रिम रबर है पॉली आइसो ब्यूटाइलीन। लास्ट कृत्रिम रबर का नाम है पॉली आइसो ब्यूटाइलीन। पॉली के लिए पी, आइसो के लिए आई, ब्यूटाइलीन के लिए बी। तो इसको कहेंगे PIB, पॉली आइसो ब्यूटाइलीन। इसकी जो एकलक है वो होगी आइसो ब्यूटाइलीन, जिसका सूत्र इस प्रकार होता है CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3, नीचे CH3। तो ये सूत्र है किसका, आइसो ब्यूटाइलीन। आइसो ब्यूटाइलीन के लिए कितने अणु, एन अणु। अब इसका करा लेंगे बहुलीकरण,
तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ सिंगल और यहाँ अगली डाई के साथ सिंगल बॉन्ड। तो देखिए CH2 सिंगल C, ऊपर CH3, नीचे CH3 और ये नीचे लग गया M। तो ये आइसोब्यूटाइलिन का मॉडल बन गया पॉली आइसो ब्यूटाइलिन। तो ये इस प्रकार अपने छह कृत्रिम रबर हो गए, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, एबीएस, नियोप्रीन रबर, पॉलीक्लोरोप्रीन, फिर पांचवा था पॉलीब्यूटाडाइलिन और ये छठा पॉली आइसो ब्यूटाइलिन। वर्गीकरण में सेम टू सेम यही हो जाएंगे, प्राप्ति स्रोत के आधार पर कृत्रिम एक ही इकाई है संभव है, बोलीकरण में छोटा रूप नहीं निकल रहा, युगात्मक बोलन और रबर है तो प्रत्यास्थ। अब देखिए हवा के लिए भेद्य रबर कौन सा होता है, प्राकृतिक रबर, यानी प्राकृतिक रबर में से हवा है वो बाहर निकल जाती है इसलिए प्राकृतिक रबर है, उसका उपयोग सामान्य गुब्बारों में होता है। सामान्य गुब्बारे हैं उनमें से समय के साथ हवा है वो बाहर निकल जाती है इसलिए सामान्य गुब्बारों में प्राकृतिक रबर को काम में लिया जाता है, जो हवा के लिए क्या होता है भेद्य होता है इसलिए उसमें से हवा है वो बाहर निकल जाती है। हवा के लिए अभेद्य रबर एयर प्रूफ रबर, ऐसा रबर जिसमें से हवा है वो बाहर नहीं जा सकती, तो एयर प्रूफ रबर होता है। अभी अपने कृत्रिम रबर में किया था पॉली आइसो ब्यूटाइलिन, अभी अपन ने कृत्रिम रबर में किया था पॉली आइसो ब्यूटाइलिन PIB। ये एक हवा के लिए अभेद्य रबर होता है, एयर प्रूफ रबर होता है इसलिए इसका उपयोग है वो बास्केटबॉल की आंतरिक सतह के निर्माण में किया जाता है। तो बास्केटबॉल हुई, फुटबॉल हुई, उनमें से हवा आसानी से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उनकी आंतरिक सतह पे कौन से रबर को काम में लिया जाता है, पॉली आइसो ब्यूटाइलिन रबर को, PIB रबर को, जो हवा के लिए क्या होता है अभेद्य होता है, एयर प्रूफ होता है इसलिए इनमें से हवा है वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। तो ध्यान रखिएगा हवा के लिए भेद्य रबर प्राकृतिक रबर पॉली आइसो ब्यूटाइलिन और हवा के लिए अभेद्य रबर पॉली आइसो ब्यूटाइलिन PIB। तो ये इस टाइप से अपना जो रबर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट है। थैंक यू।